शिक्षक प्रशिक्षण शिविर निष्ठा के माध्यम से स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर अब पढ़ाई के नए नए तरीके सीख रहे हैं। आधुनिक तकनीकी के माध्यम से प्रोजेक्टर, यूट्यूब तथा स्मार्टफोन का उपयोग कर स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर अब पढ़ाई के नए नए तरीके प्राप्त कर बच्चों को पढ़ाएंगे। पिसांगन CBO ऑफिस द्वारा निष्ठा प्रशिक्षण शिविर हेतु लगाए गए RP धारेश्वर चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण शिविर को गैर आवासीय करने के बाद अब शिक्षकों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। धारेश्वर चौधरी ने बताया कि पंचायत समिति क्षेत्र के सभी विद्यालयों में पढ़ाने वाले L1 व L2 के अध्यापकों को निष्ठा शिविर के माध्यम से 5 दिवसीय ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। 6 चरणों में आयोजित होने वाली इस निष्ठा प्रशिक्षण शिविर में पंचायत समिति क्षेत्र के कुल 1116 शिक्षक तथा शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सभी अध्यापकों को स्मार्टफोन लेकर आना अनिवार्य किया गया है। साथ ही शिविर में बायोमेट्रिक तरीके से हाजिरी भरी जा रही है। शिविर के दौरान सभी आने वाले अध्यापकों को चाय, नाश्ता तथा भोजन की व्यवस्था CBO कार्यालय पिसागन की ओर से की गई है। यह पहली बार है कि निष्ठा शिविर में अध्यापक बड़ी ही रुचि के साथ नए नए तरीकों के माध्यम से पढ़ाई के गुण सीख रहे हैं। नाम चेंज हो रहा है ना, गेम है ना। देखो सर, दो हो चुके हैं, 30 तक सही तो करना है। अगर बच्चों को किसी चीज में डेवलप कर दी तो हमारा काम आगे से ज्यादा हो गया, बाकी बच्चा खुद करेगा। ऐसे क्या होता है भाई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही अपनी, तो हम क्या करते हैं, धक्का लगा देते हैं। धक्का लगाया गाड़ी स्टार्ट, संस्था प्रधान ले लें, टीचर ले लें, अभिभावक ले लें, सभी की एक ही मानसिकता है कि बच्चा पढ़ लिख जाए, जो उसकी बुनियादी शिक्षा है उसको वो ग्रहण करे। पर भी क्या कहा ऐसी कि बच्चों की जो गतिविधियां हैं या बच्चे की जो कौशल है, जो उसमें प्रतिभा छुप रही है, अपन उसको प्रमोट करते चले, उसको आगे लेके चले, इतना चेंज किया गया। इसलिए तो आप कह रहे हैं अभी तक वो बात नहीं, तो मैंने जब ये बात स्टार्ट की वो इसी वजह से की कि जो अपन करते कर रहे थे उसमें अपन देखते जब उनको पढ़ते हैं तो अपन को बहुत सारी समस्याओं का सामना। पूरे शिक्षा तंत्र ने इस बालक को बांध रखा है, आप समझने का प्रयास करना, और बालक फिर भी स्वतंत्र है। फिर हम कह सर, मांगलियावास में निष्ठा के तहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजित हो रहा है, कब से आयोजन शुरू हुआ और आपने किस प्रकार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, आपके बारे में बताएं। ये सर मांगलियावास में प्रशिक्षण शिविर 5 से स्टार्ट हुआ था और 9 तक है। आज से पहले जितने भी ये प्रशिक्षण हुए हैं ना सर, ये क्या पेपरलेस नहीं थी। पहली बार ये क्या है कि निष्ठा इस प्रशिक्षण का नाम है और ये पहली बार पेपरलेस होगा। ये आपको कैसा अनुभव हो रहा है? अच्छा अनुभव हो रहा है सर, पेपरलेस। आपका नाम बताएं सर? मेरा नाम नौरंग सिंह है सर। सर, निष्ठा के तहत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं मांगलियावास विद्यालय में, कितने चरणों में शिविर होने हैं, कितने अध्यापकों को आप दे रहे हैं, क्या क्या लाभ इनको टीचरों को मिलेगा? ये 5/11 से शुरू है, 5/11/19 से 13 दिसंबर तक, 13/12/19 तक चलेगा। इनके चरण हमारे हैं 5 चरण 6 चरण, 6 चरणों में चलेगा। और ये निष्ठा प्रशिक्षण 5-5 दिवसीय का, हर दिन 5-5 दिवसीय, वर्किंग डे में नहीं है। बहुत ही अच्छा चल रहा है, व्यवस्था अच्छी है, बहुत अच्छा, 3 कमरों में 4 कमरों में इनकी व्यवस्था। पहले कहा जा रहा था कि ये आवासीय शिविर आयोजित होंगे, तो इन शिविरों में क्या टीचर खुश हैं? बहुत ही खुश है, निरावास होने के बाद में भी ये मस्ती से ले रहे हैं, कह रहे हैं बहुत ही अच्छा किया हमारा, बहुत ही अच्छा, तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। 9:30 है और शाम को 5:15 से 5:30 तक है, ये आराम से ले रहे हैं, कोई दिक्कत। खासतौर से जो स्कूल में स्कूल हेड और जो टीचर्स के तालमेल नहीं हो पाने की वजह से स्कूल में कहीं व्यवस्था बिगड़ती है, और जिसका लाभ जो बालक को नहीं मिल पाता है, वो हमारा एक टॉपिक था। तो ये एक विचार विमर्श का पॉइंट था कि भाई आप जब भी ट्रेनिंग में जाओ तो आप टीचर्स के साथ में, उनके साथ में जो बालक के विकास में मैनेजमेंट से लेकर, अगर वो किसी PO से जुड़े हुए हैं तो PO से संबंधित उनको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उनको विद्यालय में काम करने में कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही है, इन चीज़ों पर डिस्कशन करना।
कल हम करने वाले थे कि असर आ गए और उसके बाद में जो है हमारा शाम का सेशन पूरा हुआ। तो जब तक संस्था प्रधान और हमारा शिक्षक इनमें डिस्कस करने की, कल हम जो प्रोग्राम कर रहे थे और बीच में हमारे अपने एडीसी साहब आ गए थे, उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम को बहुत सराहा, अपने आपके साथ इंटरेक्शन भी हुआ था बिल्कुल लाइक, आप लोगों की भी करी व्यवस्था को जो करने वाले उनकी भी की गई, हमारा प्रशिक्षण बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोगों की भूमिका बहुत बढ़िया है, इसके लिए प्रशिक्षण